ये साधना करने के बाद ये सदगुरु ने एक बार गुरु पूर्णिमा के पहले मुझे बताकर कहा था कि जोशी पद्मासन डाल के बैठ जा और ये चित मंगल हराना दर्ज सर्वज्ञा ज्ञापय स्वाहा इस मंत्र का तो 11 बार मंत्र बोले और अपने गुरु के तरफ देखकर एक बार आंख मूंद ले और सर पर एक फूल सहस्त्रार को जागृत करते हुए गुरु को स्थापना कर रहा हूँ ऐसा मन में समझ ले कि तू गुरु को अपने सहस्त्रार में स्थापन कर रहा है और किसी भी मैं इस वर्ष कौन सी दशमहान ज्ञा की साधना करूँ जो मुझे सिद्ध होगी ऐसा बोल ले। 5 मिनट तक आंखें मूंद कर अपने गुरु जी को देखकर किस बिंब को तू देखेगा वो दशमहान विद्या तुझे इस वर्ष सिद्ध करनी ही है, सिद्ध करने के लिए तो तत्पर हो जाएगी। मैं भी आपको कह रहा हूँ, एक फूल आप आपके सामने का एक फूल लेकर आपके सहस्त्रार पर अगर आपको पद्मासन डालने आता है वे पद्मासन वेड़ान पुस्ते पद्मासन वेस्कनी और कपूर में तलपनी बेटकनी गुरु वही पुचूस्तु మీరు ఏ దశమాంగి ఈ సంవత్సరం చేస్తే నాకు సిద్ధి అవుతుంది అని మనసులో అనుకొని మీరు మీ కళ్ళను 5 నిమిషాల వరకు మూసుకోండి. మీకు కనిపించిన దశమావిద్యను మీరే రాసుకుని కేవలం గురువుకు మాత్రమే చెప్పాలి. కేవలం గురువుకు హీ కహనా హై కి ఆప్కో కౌన్ సా బింబ దిఖా నహీ దిఖా భీ తో కోయి బాత్ నహీ హై లేకిన్ దిఖా భీ తో ఇస్ వర్ష్ కౌన్ సీ మహావిద్యా ముజే సిద్ధ హోగీ యహ గురుజీ కో ప్రశ్న కర్నా హై. ఇస్ మంత్ర మే ఇత్ని శ్రేష్ఠతా హై గురుమండల్ కహతా హై కి మై తేరే సాథ్ హూ తుజే ఇస్ వర్ష్ ఇస్ దశమావిద్యా కో సిద్ధ కరవాఊంగా. 5 మినిట్ తక్ ఆప్ पद्मासन अगर डालना आता है तो पद्मासन डालकर एक फूल आपके सहस्त्रार पर रख लो. सहस्त्रार का मतलब होता है सहस्त्रार पर और अपने गुरु को एक बार पूर्ण आंखों से लेकर आंखें मूंद कर आप मैं मंत्र बोलता हूँ जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है सहस्त्रार का. आपके शरीर में गुरु स्थापन हो गए और आप गुरु से पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी दशमाविद्या साधना करूँ. आपको जो भी दशमाविद्या साधना दिखे उसको मन में ही रख लो. कभी समय मिला तो अपने गुरु से बोलो कि गुरु जी मुझे बिंब में यह साधना दिखी है, दशमाविद्या दिखी है और इस वर्ष वह साधना निश्चित रूप से आपको सिद्ध होगी. आम ह्रीम क्रोम श्रीम स्वाहा मम गुरु देवताय प्राणाय प्राणाः. आम ह्रीम क्रोम श्रीम स्वाहा मम गुरु देवताय जीवो इह स्थिताः. आम ह्रीम क्रोम श्रीम स्वाहा मम गुरु देवताय सर्व इंद्रियाणि. आम ह्रीम क्रोम श्री स्वाहा ओम गुरुदेवताय वाम मनो नयन प्राण स्त्रोत्र तक प्राण इहागत सुखम तिष्ठन्ति स्वाहा. 5 मिनट तक आप केवल आंख मूंद कर अपने गुरु को देखकर ये समझना चाहिए कि मैं इस वर्ष कौन सी दशमाविद्या साधना करूं जो मुझे सिद्ध होगी. आपको बिंब में जो दिखेगा आपके दिल में रख लेना, मैं मनुष्य पेटकोंडी कागितम पर रासकोंडी आ साधना ना करगंडी नहीं सिद्धि कोसम चपतान. उस साधना को आप कागज पर लिखकर मुझे बोल दो, मैं वो साधना करने का विधान बता दूंगा या आप व्हाट्सएप पर भेज दो, मैं साधना बता दूंगा. धीमे आंखें खोल लो, जो भी आपको दिखाया आपके मन में रख लो. मैं गुरु दीक्षा दे रहा हूँ, गुरु मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ. हाथ जोड़ो, मैं जैसा कहता हूँ वैसे नहीं ला चपका ना ला रही. मे मनसो ये बिंब कपंचना कपंचकोनी मनसो चुनि नैना इंटरव्यू चुप्पी यानी कपच्चे जो आपको दिखाया मैं अकेला जब मिलूंगा कहो या व्हाट्सएप पर बोलो कि मुझे ये सिर्फ गुरु और आप में ही रहना चाहिए. जो जिस दीक्षा को कहते हैं गुरु जी कहा करते थे कि इस समय ऐसा रख लेकर हम ये भी पूछते जिसको कुलदेवता का ज्ञान नहीं है कि मेरी कुलदेवता कौन है, तो गुरु जी कुलदेवता का दर्शन भी करवाते हैं. और कहते हैं कुलदेवता तेलिए दो वाड़गन का इला पून तर में पेटी कुलदेवता ना एमटी अड़ते चुप्तनी इधी तर्पण का गुरुजी चुप्नार. ये एक श्रेष्ठ साधना है जिसमें गुरु सहस्त्रार्थ में स्थापन होने के बाद कुलदेवता के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, सारी देवताओं के रूप में गुरु जी आपके शरीर में स्थापन होकर आपको अच्छाई आपको एक वर्ष में सृष्टि प्रदान करने की प्रदान करने की तरफ ले जाते हैं. अभी जो आप हुआ है उस पुष्प को भी आप वहीं रख दे, उसी पीले कपड़े में बांधकर पूर्ण जप हो गया है तो माला धारण करने के बाद उस जब उसको उस यंत्र को उसी पीले कपड़े में बांधकर आपके घर में पूजा स्थान में एक वर्ष तक रखो. इस मंत्र को फिर कवन करना नहीं, केवल आज के दिन ही करना है, बाद में इस मंत्र जप को कभी करना नहीं, फिर गुरु सिद्धि दिवस के दिन ही करना है. ये जपाने मंडली ये पूछे गुरु जप का सिद्धि दिवस नाड़े ये मंत्र जपाने चाहिए. तो आप अभी गुरु मंत्र की बोलता हूँ, आपके सर पे रखा हुआ फूल और सारे फूल भी आपके यंत्र के साथ बांध कर जप हो गया है तो माला धारण कर उसको पीले कपड़े में बांध कर रखो. मैं गुरु मंत्र की दीक्षा दे रहा हूँ. हाथ जोड़ो, मैं जैसा कहता हूँ सब बोलो. स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे रखो, बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदया। आप एक माला गुरु मंत्र जप कर लो, बाद में आगे का कार्यक्रम होगा। एक माला गुरु मंत्र जप कर लो।